नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, आर द स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल सॉरी रेशनल. तो क्वेश्चन यहां पे क्या है कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं और किसका लेते हैं, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर का, तो क्या ऐसा होता है कि वो इरेशनल आए? तो आओ चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड 4, और फिर इसका अंडर रूट ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट बोला गया है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं चलो, और चेक करते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है. तो जैसा कि पता ही होगा, 1 स्क्वायर रूट 1 का रिजल्ट इज 1, 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे अंडर रूट 3, और 4 का जब कर रहे होंगे तो रिजल्ट आ रहा होगा 2. तो अभी तो हमने सिर्फ 4 नंबर लिए, और जब इनका स्क्वायर रूट फाइंड किए तो एक बार मिला रैशनल और दो बार मिले इरेशनल, और अगेन लास्ट टाइम क्या मिल रहा है, रैशनल. तो क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? तो आंसर होगा नो. व्हाई? क्योंकि जब हम 4 नंबर्स को लेके चेक करते हैं तो देख रहे हैं 2 नंबर्स में रैशनल मिल रहे हैं जबकि 2 नंबर्स में इरेशनल. तो इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल, स्क्वायर एक एग्जांपल दो. तो हमने दिखा तो दिया 2 एग्जांपल देके कि अंडर रूट ऑफ 4 एंड अंडर रूट ऑफ 1 विल गिव यू रैशनल नंबर, वेयर एज अंडर रूट 2 ऑफ एंड अंडर रूट 3 विल गिव यू इरेशनल नंबर. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये पूरी तरह से फॉल्स है. हर एक पॉजिटिव इंटीजर का अंडर रूट या स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है.